स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम्स में। सरायकेला के राजनगर से एक आदिवासी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। प्रेमी संग घूमने गई युवती के साथ पांच युवकों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सरायकेला जिले के राजनगर थाना क्षेत्र से आदिवासी युवती के साथ गैंग रेप का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां अपने प्रेमी संग घूमने निकली युवती के साथ उसके प्रेमी के पांच मित्रों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पांच में से एक नाबालिग बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही राजनगर थाने की पुलिस हरकत में आई और पांचों युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राजनगर में जो मामला आया था, बेसिकली जो है वो एक लड़की जो थी वो उसका जो है वो मित्र ही था, वो फ्रेंड था, और वो लोग दोनों साथ में गए थे। लेकिन जब उसका वो फ्रेंड साथ में नहीं था तो ये घटना जो है हुई थी उसके दोस्तों के द्वारा, और जिसमें ये पहचान भी कर ली गई और त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए जो सभी पांच अभियुक्त थे सभी की गिरफ्तारी हो गई। दीपावली त्यौहार के मद्देनजर बाजार सज चुके हैं। पूजन सामग्रियों के अलावा मिट्टी के दिए, खिलौने और रंगोली के आइटम्स की बिक्री जोरों से हो रही है। लखनऊ से एक टीम आई है जो तरह तरह के रंगोली बनाना भी सिखा रही है। दीपावली को लेकर बाजार सज चुके हैं, जहां मिट्टी के दिए, पूजन सामग्रियों की बिक्री हो रही है, वहीं रंगोली की बिक्री भी जोरों पर है। लखनऊ से रंगोली की टीम जमशेदपुर पहुंची है और आकर्षक सुगम तरीके से रंगोली बनाने की छलनी, रंग आदि की बिक्री कर रहे हैं। मान्यता है कि दीपावली के दिन घर के आंगन और दरवाजे के द्वार पर रंगोली बनाई जाए तो मां लक्ष्मी का आगमन होता है। वैसे जमशेदपुर शहर में लोग दीपावली का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। रंगोली विक्रेताओं की माने तो बाज़ार में बिक्री काफ़ी अच्छी है। रंगोली कलर है सब, किस तरह का तैयार होता है इसमें? तो वो डाला जाता है केमिकल के लिए तैयार होता है ये। क्या क्या चीज़ का होता है ये? इसमें तो दो तीन चीज़ डाली जाती है, इसमें बुरादा हुआ, दो तीन केमिकल डाल के उसमें बनाया जाता है। कितने कलर हैं? 13-14 कलर आते हैं इसमें। कैसा मार्केट में, कैसा मार्केट में? ठीक है, सही है। कितने लोग आपको बता रहे हैं? लगभग 8-10 लोग, 10-15 लोग हैं। रंगोली अब बेच के चले जाएंगे। चावल का बनता है और पत्थर का बनता है, टैल का इस तरह बनता है। और क्या, दीपावली के समय में बिकती है ये। होली पे तो कलर बिकता है, ये दीपावली बिकता है। हर जगह पर बिकता है। दिल्ली में रंगोली बिकता है ये। कैसे बनता है इसका, क्या रेट है इसका? रेट क्या, 10 रुपये का 100 ग्राम। उधर गुप्त सूचना के आधार पर गठित पुलिस टीम को नशे के खिलाफ एक और सफलता हाथ लगी है। मुस्लिम बस्ती से 230 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। मुस्लिम बस्ती के अहमद गली से पुलिस ने 230 पुड़िया के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आई महिला तस्कर का नाम नाजमू निशा बताया जा रहा है। गुरुवार को जियाडा कैंप कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर SP डॉक्टर विमल कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जब्त ब्राउन शुगर का वजन करीब 19.32 ग्राम है। महिला का कनेक्शन कुख्यात ब्राउन शुगर तस्कर मोगला से है, उसकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि ब्राउन शुगर के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। हाल के दिनों में मुस्लिम बस्ती में दबिश बढ़ाई गई है। सूचना मिली थी कि मुस्लिम बस्ती में एक महिला के द्वारा ब्राउन शुगर बेचने की योजना बना रही है वो, और उसके पास जो है कुछ पुड़िया होने की संभावना थी। इस पर जो है टीम बनाई गई इंस्पेक्टर के नेतृत्व में, और वो जो है छापामारी किया, जिसमें एक महिला जो भी संदिग्ध लग रही थी, और उससे जब महिला दल के द्वारा उसकी तलाशी ली गई तो उसने अपना नाम जो है वो नाजमू निशा बताया, जो मुस्लिम बस्ती के अहमद गली की रहने वाली थी। और उसके पास से जब तलाशी ली गई तो ब्राउन शुगर के 230 बोरिया जो है बरामद हुई। पूर्वी सिंहभूम के बोड़ाम प्रखंड में उप स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का निर्माण स्वीकृत स्थान से अलग हटकर किए जाने की शिकायत ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से की है।
पूर्वी सिंहभूम जिले के बुड़ाम प्रखंड में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र के नए भवन का निर्माण स्वीकृत स्थल को छोड़कर दूसरे स्थान पर किया जा रहा है। इसे ग्रामीणों में आक्रोश है। इसे लेकर माधवपुर के ग्रामीणों ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें बताया गया है कि उपकेंद्र के लिए स्वीकृत स्थल माधवपुर को छोड़कर करीब 4 किलोमीटर दूर राजा हाट गाँव में स्वास्थ्य उपकेंद्र के नए भवन का निर्माण किया जा रहा है। तो बुड़ाम प्रखंड का माधवपुर गांव का है, वहां एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है, वर्षों पहले से चल रहा है वहां स्वास्थ्य उपकेंद्र। उसका नया भवन निर्माण का एक योजना आया है, नया भवन निर्माण, उस योजना को योजना स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन के सामने योजना स्थल पर नहीं बनाकर दूसरी जगह 3-4 किलोमीटर दूर जाके दूसरा गाँव, खाली जगह जहाँ कोई जनमानव नहीं है, वहाँ कुछ काम में नहीं आएगा, उसी स्थल पर बना रहा है। धनबाद में बांग्ला भाषा उन्नयन समिति के प्रदेश अध्यक्ष रीना मंडल एवं उनके पति पर हुए हमले के विरोध में समिति ने मुख्यमंत्री से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बांग्ला भाषी उन्नयन समिति के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रीना मंडल एवं उनके पति आशीष मंडल पर हुए हमले का विरोध शुरू हो गया है। गुरुवार को झारखंड बंग भाषी उन्नयन समिति ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजकर दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। लेके आए थे धनबाद में, हमारे जो बांग्ला उन्नयन समिति के तरफ से हम लोग आए हैं, बांग्ला भाषी उन्नयन समिति के तरफ से हम लोग आए हैं, जो हमारे जो प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जो हमारे धनबाद में रहती है रीना मंडल जी, रीना मंडल और उनके पति आशीष मंडल दोनों आपका सिंदरी से आ रहे थे, जो कि धनबाद बैंक मोड़ के सामने में उनके एक दबंग किसी व्यक्ति के द्वारा गाड़ी में धक्का दिया गया है। धक्का देते साथ उन लोग दोनों गिर गए थे और गाड़ी एकदम ओवरटेक करके सामने आ गए। सामने आके उनको जान मारने की धमकी दी गई। आखिर जान मारने की धमकी, ऐसा क्या बात हो गई है कि जान मारने की धमकी दी गई, जो कि वहाँ पर CCTV फुटेज जो कि प्रशासनिक लोग वहाँ पर देखे हैं, देखने के बाद भी वहाँ पर उस दबंग आदमी को पकड़ने के लिए प्रशासनिक लोग वहाँ पर पूरा फेल्योर है। दीपावली और आस्था का महापर्व छठ को लेकर उपायुक्त ने गुरुवार को तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए हैं। इस बार भी हाई डेंसिटी वाले क्रैकर्स पर रोक लगेंगे। दीपावली और छठ महापर्व को लेकर गुरुवार को उपायुक्त ने तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों संग बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में शहरी निकायों के अधिकारी भी मौजूद थे। उपायुक्त ने दीपावली पर चिन्हित स्थल पर ही पटाखे बेचने और हाई डेंसिटी वाले पटाखों पर रोक की बात कही। उन्होंने बताया कि इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सभी अधिकारियों को छठ से पूर्व घाटों की साफ सफाई करते हुए व्रत एवं श्रद्धालुओं के लिए दुरुस्त करने का निर्देश भी दिए हैं। दिवाली और छठ पर्व को लेकर हम लोगों ने विधि व्यवस्था और संधारण का हम लोगों ने बैठक आज जिला स्तरीय पूर्वी सिंहभूम का किया है और सभी को निर्देश दिए हैं कि दीपावली के समय किसी तरह का कोई समस्या नहीं हो, और विशेषकर पटाखा जो है, पटाखा का जो भंडारण लाइसेंस के माध्यम से हो और हाई डेसिबल पटाखा का उपयोग नहीं हो, फायर ब्रिगेड सभी जगह आसानी से उपलब्ध रहे, और साथ में जो है छठ पर्व को जो है 19 और 20 तारीख को जो अर्घा दिया जाता है, उसके लिए छठ घाटों में साफ सफाई कर गोताखोरों का उपलब्धता और वहाँ जो यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज टाइम्स। टिबेट मार्केट एट गोलमुरी सर्कस मैदान, एक बार अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। यहाँ हर प्रकार के वुलन कपड़े किफायती दामों में उपलब्ध, सुंदर और टिकाऊ। विंटर वार्म क्लोथ्स कलेक्शन फॉर न्यू बॉर्न बेबीज टू ओल्ड एज्ड वंस अवेलेबल एट रीजनेबल रेट्स। किड्स सूट्स, लेडीज कार्डिगन, कुर्ती, लॉन्ग कोट्स एंड शर्ट्स, जेंट्स जैकेट्स एंड स्वेटर्स की शानदार वैरायटी, वो भी ऐसी कीमतों पर जो आपकी जेबों को भाए। इतना ही नहीं, हाई नेक शॉल्स, ब्लैंकेट्स,
चुन्नी, पायजामा, कैप्स और दस्तानों का शानदार कलेक्शन। अच्छा है और बहुत रिजनेबल रेंज में रहते हैं और इसको लोग बाहर से लेके आते, हमेशा हर साल कुछ न्यू वैरायटी भी मिलती है। और ये तिब्बत मार्केट काफ़ी सालों से लगता है यहाँ, हम लोग हर साल आते हैं, अच्छे दामों में अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं जो कि काफ़ी गर्म होते हैं। कितने सालों से लग रही है तिब्बत मार्केट? तिब्बत मार्केट जो अभी जो 30 साल से हम लोग यहाँ जमशेदपुर में लग रहा है, अब जमशेदपुर का वासियों को पता है हम लोग हर सीज़न में यहाँ पर तिब्बत मार्केट लगता ही है। अभी जो हम तिब्बत मार्केट जो गोलमुरी सर्कस मैदान में जो लगता है और हमारे यहाँ पर मार्केट में जो भी सामान जो मिलता है वो मतलब रेट जो है रिजनेबल रेट में मिलता है। और क्या हमारा यहाँ पर है ना, अभी छोटे बच्चे से ले कर ना बुज़ुर्ग तक सामान सब कुछ मिल जाता है। गर्म कपड़ा जो इसमें जैकेट हो और या लेडीज़ शॉल्स और कैप्स सब आइटम, मतलब सीज़न मतलब विंटर सीज़न का आइटम सब मिल जाता है। और इसमें ज़्यादा से रेट जो मार्केट से रेट कम है। और हमारे यहाँ पर जो माल जो आता है, सामान जो आता है, स्वीटर वूटर जैकेट वो ये सब जो है जो लेटेस्ट जो लॉन्च होता है वो ये हमारा यहीं पर मिलता है। फैशनेबल रेट, फैशनेबल चीज़ सब कुछ यहीं से मिलता है। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने मित्रों और परिजनों के साथ पधारें और अपने अनुभवों को साझा करें। तिब्बत मार्केट, गोलमुरी सर्कस मैदान, जमशेदपुर। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं। तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारे समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा। हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दात के डी 9308081071 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Friends and family.
दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी निवाली की दर में आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए।